ब्रिजेश जी, मैं शुरू आपसे इसलिए करना चाह रहा हूं कि ये एक 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 बहुत सी चीजें हमारे हमारे देश के इस समय जो पॉलिटिकल हुआ है उसको भी दिखाता है कि हमारा जो विमर्श है वो कहाँ पे आ गया है। देश का प्रधानमंत्री आज डिबेट सेट करना चाह रहा है कि मुझे लोगों ने मर्जा मोदी कहा, लेकिन फिर मैं मर्जा मोदी। वो किसी भी गंभीर विषय पे, किसी भी कि भाई इस देश में पूंजीवाद को बढ़ावा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, इस देश में किसानों की क्या हालत होनी चाहिए, इस देश में, वो लार्जर क्वेश्चन की जगह विमर्श को यहाँ ले आ रहे हैं। क्या आपको ब्रिजेश जी लगता है कि इसका एक बड़ा कारण 2000, क्योंकि 2024 के इलेक्शन की ये सब तैयारी है, तो मोदी जी का ये जो मर्जा मोदी और मज्जा मोदी वाला जो नया एक शगुफा है, इस पे तो आपका वो ले लें ब्रिजेश जी। जी नमस्कार। देखिए, नरेंद्र मोदी एक बात बखूबी जानते हैं, चुनाव कैसे जीता जाता है। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बहस कैसी हो रही है, देश कैसा चल रहा है, किस मुद्दे पे बात हो रही है, किस मुद्दे पे बात नहीं हो रही है। वो सारे विमर्श को इस बात पे ले आते हैं कि आम आदमी, जिसे हम लोग कहते ना कि एक लोकप्रिय होता है, एक बहुत होता है बहुत सच्चा और अच्छा होता है, तो सच्चे और अच्छे काम के लिए उनका कोई बहुत कमिटमेंट नहीं। उनको जो एक सड़क पर चलता हुआ चलताऊ टाइप का जो एक स्लोगन और नारे और एक्शन होते हैं, जिससे हम लोग पहले कहते थे कि फिल्मों में जो अगली पंक्ति कतार में बैठे हुए लोग जो है तालियां बजाए जिस पर, उस तरह के डायलॉग मारने में, उस तरह की बात करने में बड़ा मजा आता है। अब ये जो मर्जा मोदी की वाली बात जो इन्होंने गढ़ी है, वो जिस दिन सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई थी, जो आम आदमी पार्टी के दिल्ली में कार्यकर्ता है उस गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे और सीबीआई के दफ्तर तक पहुंच गए थे। और जनरली जब इस तरह के प्रदर्शन होते हैं तो विरोधी दलों के नेताओं को लेकर के जो निचले लेवल के कार्यकर्ता है कई तरह के नारे करता रहता है, बोलता रहता है। मुझे तो नहीं ख्याल है कि बड़े नेता इसका कभी जिक्र भी करते, क्योंकि कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। बहुत सारे हमने देखा है, जब हम तो चूंकि रिपोर्टिंग में रहे, कवरेज देखते रहे हैं, तो इरिटेट होकर दो चार नारे इस तरह से लोग लगाते रहे। और ये तो प्राइम मिनिस्टर है, बहुत बड़े पद पर बैठे हुए, मैं कह रहा हूं कि जिला लेवल के नेता भी उन नारों और टिप्पणियों पर कुछ नहीं बोलता है। भाई जो प्रदर्शन कर रहा है कुछ ना कुछ बोल रहा होगा, लेकिन उस नारे को प्रधानमंत्री गढ़ करके कम से कम चार या पांच मौके पर बोल चुके हैं, और उससे वो दो तीन मैसेज देना चाह रहे हैं। एक तो विमर्श को मुख्य मुद्दे से हटाना चाहते हैं, चुनावी राजनीति में वो सरकार को विमर्श का मुद्दा नहीं रखना चाहते, सरकार के कामकाज को विमर्श का मुद्दा नहीं रखना चाहते। तो ऐसे मुद्दे तलाश लेते हैं जिनका कोई अर्थ ना हो, खाली इस पर चर्चा तो हो लेकिन उससे कोई अच्छा बुरा ना निकलता हो, सरकार पर उंगली ना उठती हो, तो उसके लिए एक तो है। दूसरा, ये इस बात को भी कहीं कहीं ऐसे ही चर्चा की जा रही है कि जब वो पूर्वोत्तर में अपनी जीत का जश्न मना रहे थे पार्टी मुख्यालय में, और वहां जब बोले, वहां तो कोई ऐसा फोरम नहीं था कि आम आदमी खड़े थे, सब उनके कोर समर्थक थे और पार्टी के कार्यकर्ता ही थे, बड़े नेता थे उनकी पार्टी के, वो ये भी मैसेज देने जा रहे थे कि जनता चाहती है कि मोदी कहीं जाने वाला नहीं। अपनी पार्टी भी एक मैसेज दे रहे थे कि मोदी अभी जहां है जैसे है बना रहेगा, मोदी को अभी इस पोजिशन से हटने की कोई इरादा इच्छा नहीं है। कई बार बीजेपी के अंदर बात होती है, इस समय नरेंद्र मोदी जी 73 साल के हैं, चुनाव खत्म होते होते 74 साल हो जाएंगे, मोदी जी का खुद बनाया हुआ रूल है 75 साल में रिटायर होना है, तो मोदी के बाद कौन, एक चर्चा होती है पार्टी में। तो मोदी जी कह रहे हैं 74-75 वाला रूल हमने बनाया था औरों के लिए, हमारे लिए वो रूल नहीं है, और चूंकि देश चाहता है कि मोदी जी मर जा, तो मोदी जी यही रहेगी। वो मर्जा काटने वाले चाहे विरोधी दल के लोग हो, चाहे पार्टी में वो गुट जो मोदी से आजीज है, परेशान है, चाहता है कि पार्टी के अंदर नेतृत्व में परिवर्तन आए, बदलाव आए, वो सबको मैसेज दे रहे हैं कि मोदी का कार्यकाल या मोदी के काम करने की इच्छा जो है कभी थकता नहीं। कई बार बोलते हैं मोदी एक अलग मिट्टी का बना हुआ है, वो सारे विमर्श कर इसलिए दिए जाते हैं कि पार्टी में भी उन लोगों को मैसेज देना चाहते हैं जो मोदी से किसी न किसी कारण से असहमत है, या उनके जो पूरी पार्टी पर हावी हो जाने की नीति है उसको लेकर असंतुष्ट है, उनको भी सारे मैसेज देते हैं कि मोदी कहीं जा रहा है, कहीं जाने वाला है, तो आप लोग चुपचाप जो है इसी हालत में, इसी
स्थिति में काम करते रही। दूसरा वही प्रमुख कारण है कि वो पूरे विमर्श को, चाहे वो जो चुनाव आने वाले, अब तो आने वाले राज्यों की बात होगी या उसके अलावा भी किसी फोरम पर अगर जा रहे हैं, वो मीडिया के लिए भी पेट भरते हैं। वो ऐसे विमर्श दे देते हैं मीडिया को, एक तो मीडिया ऐसा आज की डेट में मुख्य मीडिया ऐसे ऑलरेडी हो चुका है को, वो जब जिस दिन कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं होता, जिस दिन कोई विकास का मुद्दा नहीं होता, जिस दिन कोई देश का और मुद्दा नहीं होता है, तो धार्मिक मसलों पर, बाबाओं पे, साधुओं पे, बिच्छू पे, गोजर पे, किसी एक चीज पे कहानी शुरू करके चर्चा शुरू कर देते हैं। अब पूरा पूरा दिन नहीं होता है तो आजकल यूक्रेन है, यूक्रेन की लड़ाई भी शुरू हो जाते हैं, तो उनके लिए भी ये विमर्श पैदा करते हैं कि आप लोग इन चीजों पर बातें करिए। और देश का जो बताया ना कि फिल्मों में जैसे अग्रिम पंक्ति का होता है, जो ताली बजाने वाला वर्ग होता है, जो मोदी का इस तरह का समर्थक है, जिसको किस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बात कहां से कैसे उठी, इसकी क्या गंभीरता है, उस ताली बजाने वाले वर्ग के लिए भी नारा देते हैं कि देखिए मोदी के लिए क्या कहा जा रहा है। लेकिन मोदी कहीं जाने वाला नहीं है, मोदी तो अमर है, ये देश की राजनीति से वर्षों वर्ष करता रहेगा, और उससे एक जो है उनके उस वर्ग में उत्साह आता है और उस विमर्श को सारी दुनियादारी को आज की डेट में पता है कि जो भी बड़े इश्यूज हैं, चाहे हिंडनबर्ग का मामला हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट में फैसले आए हुए हो, चाहे चुनाव आयोग का मामला हो, सब में सरकार की तरफ गंभीर तरीके से उंगलियां उठ रही। उन विमर्श के बीच में इस तरह की बातें ले आने के पीछे एक मकसद है कि उन चीजों को भूल जाओ जिनकी बात हो रही थी। यहां बात करिए, देखिए लोग मोदी की मरने की बात कर रहे हैं तो इस पर बात करिए, ये विमर्श को बदलने की मैं बात है। वो नहीं चाहते सरकार के कामों पर, सरकार के फैसलों पर, सरकार की गलतियों पर कहीं से बोली उठे, उस पर डिस्कस हो और उस डिस्कोर्स के आगे आधार पर देखिए भाई कौन सी पार्टी अच्छा काम कर रही है, जो नेताओं ने सवाल उठाए वो कैसे बात कर रहे हैं उस पर। तो पूरा का पूरा प्रकरण इसी फोकस में रहता है। मेरा मानना है कि मोदी की जो भी रणनीतिकार है, उनके किसी भी विमर्श को, किसी भी बातचीत को, तो कहीं कहीं की जो कोठरी में जो लोग बैठते होंगे, संभवतः उसमें नेता नहीं है, उसमें ज्यादातर जो है ब्यूरोक्रेट्स या कुछ और सलाहकार होंगे, जो ये लगातार सलाह देते हैं कि आपको कहां बोलना है, कहां चुप रहना। बड़ा से बड़ा मुद्दा हो, मोदी को अगर नहीं बोलना है तो गलती से उस बारे में जिक्र नहीं करते, उसके आसपास की भी कोई बात नहीं करते। आज देश की अर्थव्यवस्था को लेकर जब सवाल उठाया जाता है तो अर्थव्यवस्था में बात ही नहीं करते हो, अच्छी बुरी की बात छोड़िए, अर्थव्यवस्था की बात ही नहीं करते, वो कहीं और किसी और दुनिया की बात करते, तो लगता ही नहीं भारत के प्रधानमंत्री। जो चुनाव में, चुनाव आयोग के बारे में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी हो रही होती है, उस पर वो बात ही नहीं करते। कई बार तो ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री ही नहीं, किसी और देश के है, यहाँ के मुख्य विमर्श से कोई चर्चा ही नहीं होती। इस तरह से उन चीजों को गुमराह करने की कोशिश है। और मेरा मानना है कि चूंकि इस तरह करते हुए दो तरह के चुनाव जीत आए हैं और आगे भी उनको लग रहा है कि इसी तरह के विमर्शों के बीच में रख करके वो लोगों को मुख्य विमर्श से दूर रखेंगे और फिर से एक बार सत्ता में आएंगे और इसी कवायद में लगे हुए, और इसमें उनकी भरपूर मदद कर रहा है मीडिया हमारा। मीडिया के एंकरों, मीडिया के पत्रकारों की जब मैं बात सुनता हूँ, चर्चा सुनता हूँ, मुझे लगता है कि इतना लॉजिकल तो बीजेपी का भी आदमी नहीं होता अपनी पार्टी के लिए, जितने तर्क उनके द्वारा गढ़े जाते हैं। तो चीजें बहुत खराब स्थिति में, मतलब आज की डेट में पत्रकार सदैव, मैंने हम लोगों के साथ, चाहे जो पार्टी सरकार हो, जब मंत्री आता था तो उस मंत्री से उस पार्टी या सरकार के खिलाफ ही सवाल होता था। अभी स्थिति हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कभी सवाल पूछ लीजिए तो नेता के उत्तर देने या समर्थकों के बोलने से पहले 10 पत्रकार कहते हैं ये सवाल मत पूछिए और एक कोई फालतू सवाल पूछ करके बात को आगे बढ़ाइए। मीडिया का विमर्श बहुत बड़ी स्थिति में। तो जहां तक इस मुद्दे पे बात कर रहे थे हम लोग, मर्जा मोदी मर्जा मोदी, ये उसी क्रम में एक कार्रवाई, मतलब बात है कि विमर्श को कहीं से कहीं ले जाना है और उससे कुछ लोगों को संदेश देना है। वो संदेश विरोधियों के लिए है, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी के अंदर के लोग हो और चाहे विरोधी राजनीतिक दल हो। जी।